वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वेरिएबल और स्लाइस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे स्लाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी कोई वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, उसको डिफाइन करने का तरीका, मतलब एरे बनाते हो, तो एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ एरे वन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुई है कि अपना वेरिएबल का नाम बताओ, उसके बाद जो आप एरे बनाने वाले हो उसकी लेंथ बताओ। जैसे मैंने बता दिया कि मेरी तीन लेंथ है, उसके अंदर मैं ओनली इंटीजर वैल्यू ही लेके आऊँगा, ठीक है ना, मतलब स्टोर करूँगा, जैसे 1, 2, 3। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, fmt.println और हमारा एरे वन, इसको मैं रन करता हूँ, ये हमारा हो गया। अब दूसरा तरीका आपका ये भी होता है, अब वेरिएबल ना लिखो, यहाँ पर 2 लिखें कॉलन, और यहाँ पर आप एरे डिफाइन कर दो कि ये मेरे 2 है, इसमें 2 वैल्यू होगी मेरी, 100 200, ये वाली वैल्यू मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें मेरी 2 वैल्यू स्टोर हुई हैं। बिल्कुल सही है। अब देखो, ये तो हो गया कि आपको पता है कि आपका जो एरे है उसकी लेंथ। कई बार हो सकता है कि आपको लेंथ नहीं पता, उसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो आप यहाँ पर इनफाइनाइट ये 3 डॉट लिख सकते हो इनफाइनाइट के लिए, ठीक है, और इसके अंदर कितनी वैल्यू आप इंस्टॉल कर सकते हो, 9080। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ, एरे 3। ठीक है, अगर आपको किसी की लेंथ पता करनी है, आप इजीली लेंथ भी पता कर सकते हो उसकी। जैसे एरे 2 की लेंथ पता करनी है, तो जो फंक्शन होता है लेंथ का, len एरे 2, तो ये देखो इसकी 2 लेंथ आ गई। पहले वाले एरे की चेक करनी है तो ये उसकी भी आपको बता देगा, इसकी 3 है। ठीक है, इसकी चेक करनी है एरे 3 की चेक कर लो, ये इनफाइनाइट है, लेकिन जितनी वैल्यू इसमें स्टोर होगी उतनी लेंथ बताएगा, 4। ठीक है, ये तो हो गया आप नॉर्मल इंटीजर। अगर आपको जो है वैल्यू स्ट्रिंग में सेव करवानी है, जैसे नेम्स है मेरे पास, तो उसकी लेंथ बताओ कि मेरे पास 3 है, स्ट्रिंग में जाएगी, और उसकी वैल्यू आप बता दो। वैल्यू है मेरे पास ए बी सी, इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ नेम्स को, ये देखो नेम वाला एरे मेरा आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको किसी भी एरे की वैल्यू जो आपने एरे इनिशियलाइज कराया है, ठीक है ना, उसकी चेंज करनी है, वो आप कैसे चेंज करोगे। जैसे मेरे को क्या करना है, जो नेम्स है, सबसे पहले चलो कि ये वाली वैल्यू गेट करनी है, ए वाली, तो इस वाली वैल्यू को गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये 0 1 से इंडेक्स शुरू होते हैं हमारे, अगर 0 करोगे तो आपकी प्रिंट होगी पहली वाली वैल्यू ए, 1 करोगे तो आपकी प्रिंट होगी बी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है, आप इस वाली वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो इजीली तरीके से, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो ऐसे ठीक है। तो नेम्स में जो 1 वाली वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर लिखो सिंपल, इस 1 इंडेक्स पे मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं इस कंप्लीट एरे को पहले ही प्रिंट करवा लेता हूँ, बाद में ही प्रिंट करवा लेता हूँ। तो पहले मेरा एरे था ए बी सी, मैंने टेक्स्ट कर दिया चेंज, इसमें टेक्स्ट होगी और जो मेरा एरे बन गया ए टेक्स्ट सी। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसको मैं करता हूँ कमेंट, आपने कोई एरे बनाया एरे 2, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो ऐसे ही बना सकते हो आप एरे, या जो दूसरा वाला तरीका है इस तरीके से ही बना सकते हो, कॉलन लेके। ठीक है, अब पहली चीज़ लेंथ डालनी है, इंटीजर होनी है, उसके अंदर मेरे को वैल्यू नहीं देनी है, अभी इनिशियलाइज नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है तो आपका उस केस में एरे में क्या वैल्यू दिखाई देगी, तो ये भी आप चेक कर लो, इसमें 0 0 आएगी। ठीक है, अगर आपने बता दिया कि भाई इसकी लेंथ जो है ना 5 है, ठीक है, इसकी लेंथ, एक और बनाता हूँ मैं एरे आपका, इसकी लेंथ है 5, लेकिन मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है 10 10 20 30, तो अब मेरे पास क्या आएगी कि जो वैल्यू है
वो ओनली ये आने चाहिए या पाँचों आएंगे। तो इस केस में पता क्या होगा, आपकी 10, 20, 30 और बाकी जो वैल्यू आपने इनिशियलाइज़ नहीं करी है उसमें 0, 0 चली जाएगी। ये देखो ठीक है, अगर आपको इनिशियलाइज़ इसमें जो इनिशियलाइज़ करने का जो तरीका है ठीक है ना, वो थोड़ा और मैं बताता हूँ आपको। जैसा अभी हमने वैल्यू डाली 10, 20, 30 ठीक है, अगर आपको जैसे ये शुरू में डलेगी ये वाली वैल्यू, मैं ये कह रहा हूँ कमेंट करके इसको कि नहीं मेरे को जो है ना 10 और 20 डालनी है, 10 तो डालनी है मेरे को पहले वाले नंबर पे, मतलब 0, 1, 0, 1 से स्टार्ट होता है ना, तो दूसरे नंबर पर डालनी है मेरे को ठीक है, और ये वाली डालनी है तीसरे नंबर पे, कॉलन लगा दो आप। अब चेक करना तो देखो 0, 1, 1 वाले इंडेक्स पर 10 चलेगी और 3 वाले इंडेक्स पर 20 चलेगी वैल्यू ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो इस तरीके से। अब मैं बता दूँ आपको स्लाइस के बारे में, ये सेम एरे की तरह होता है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं आपके कैप्स। जैसे अभी मैं एग्जांपल बता दूँ आपको, बिल्कुल समझ आ जाएगा। माई स्लाइस, एक मैंने एरे लिया ठीक है ना, कोई लेंथ नहीं बताई मैंने उसको, सिंपल इस तरीके से। अगर मैं इसको अब प्रिंट करवा के देखूँगा तो क्या प्रिंट होता है, माई स्लाइस ठीक है। इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ओनली हमारा नीचे वाला दिखाई दे। तो ये ब्लैंक हुआ ठीक है, इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं इसकी लेंथ और इसमें कैप्स ठीक है ना, वो दोनों प्रिंट करवाता हूँ तो क्या आता है, तो लेंथ चेक करनी है, लेंथ ये कर दिया ठीक है, इसको कॉपी करा, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और कैप, कैप मतलब कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, ये देखो दोनों 0, 0 आ रही है, इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई है। इसलिए अगर इसके अंदर वैल्यू होती तो क्या आता, वैल्यू डाल देते हैं, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, स्ट्रिंग बना दिया मैंने एक, और इसमें मैंने डाल दिया ए बी बी सी सी डी ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं, तो पहला तो एरे आ गया, दूसरा इसकी लेंथ है 3 ओके, और इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, वो भी 3 ही है ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि भाई इसमें भी सेम आया इसमें भी सेम आया, अभी डिफरेंस नहीं समझ आया, तो अभी देखो क्लियर हो जाएगा आपको डिफरेंस। कि यहाँ पर मैंने एक और एरे लिया, इसको 2 कर देता हूँ मैं, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली एक्स वाई वाई जेड और जेड जेड ठीक है। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, ये मेरा ये है एरे हो गया ठीक है ना, एरे 2 हो गया, और ये हो गया माई स्लाइस ठीक है। इस एरे में से मैं क्या करूँगा, जो मेरा एरे है उसमें से सेकंड इंडेक्स से लेके फोर्थ इंडेक्स तक 0, 1, 2 ठीक है, यहाँ से लेके चौथा इंडेक्स कहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, मतलब इसको छोड़ देगा तो वैल्यू सी डी और एक्स वाई ठीक है ना, जितना वो लेंथ बोलता है वहाँ तक नहीं लेता, उससे एक कम लेता है, तो वहाँ तक वो वैल्यू उसमें स्टोर कर लेगा। इसको मैं प्रिंट करवा के चेक करवाता हूँ आपको, ये माई स्लाइस 2 था इसलिए एरर दे रहा है। ये देखो इसमें आ गया सी डी और एक्स वाई, लेकिन अब इसके साथ अगर मैं इसकी लेंथ और ये सारी चीज़ें चेक करने लग जाता हूँ इसमें, चलो ठीक है सारी चीज़ें चेक करते हैं कि क्या इसकी लेंथ है, क्या कैपेसिटी है इसकी, तब आपको इसका आइडिया होगा। ये देखो तो इसमें क्या, देखो इसकी लेंथ कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी जो लेंथ है अभी जो वैल्यू पड़ी है इसमें वो 2 पड़ी है, टोटल इसकी जो कैपेसिटी थी वो 6 थी ठीक है ना इसमें, लेकिन अभी हमने कितनी फिल करी है, इसमें 2 वैल्यू डाली है, बची कितनी हमारे पास 4 ठीक है। ये तो इसमें हम और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतनी हम ऐड कर सकते हैं इसमें ठीक है ना, कैपेसिटी डिफाइन होगी इसमें, ये फ़ायदा होता है इसका। और इसके अंदर ही ना एक आपको मेक फंक्शन दिखाई देगा, मेक का क्या यूज होता है अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे माई स्लाइस
और मेक। मेक में क्या होता है, आपसे पूछता ही है कि भाई आपकी जो लेंथ है, आप इसको नॉर्मल चलो एरे ब्लैंक कर देते हैं, आपसे पूछेगा कि आपका जो टाइप है, यहाँ पर टाइप हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है, आपको कितना देना उसमें, लेंथ कितनी देनी, लेंथ देनी है मेरे को 5, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी देनी है 10। तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब आप इसको प्रिंट करवाओगे, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, ये कुछ दे रहा है क्या यार, अच्छा कॉलर नहीं लगाया, सॉरी। ये देखो 5 आ गई और 10 इसकी ये आ गई, एक केस ये हो गया। अगर मान लो आप इसकी सेकंड वाली पैरामीटर को बताती नहीं है, जो आपकी कैपेसिटी है उसको बताती नहीं है, तो क्या होगा, ये 5 ही लेंथ लेगा और 5 ही आपकी कैपेसिटी लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे और स्लाइसिस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।